एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स में आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज जिससे आपको अपने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपके 10 नंबर्स क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा है। कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए हर एक नॉर्मल व्यक्ति, चूंकि आज का समय डिजिटल इंडिया है, डिजिटली ट्रांजेक्शंस करते हैं, वित्तीय सेवाएं लेते हैं या हम बिल का भुगतान कुछ भी हम करते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस, जैसा कि ट्रिपल सी का एक टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, तो आज का मेरा यही टॉपिक है। इस पर मैं कंप्लीटली आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट बताऊंगा और डिजिटल सेवा कैसे हम यूज करते हैं, क्या डिजिटल सेवाएं हैं, इसको प्राप्त करने के लिए किन टूल्स की आवश्यकता होती है और इसमें हम कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए वीडियो को आप देखें, बिकॉज लास्ट तक देखेंगे तब आप सारे पहलू को सारी चीजों को समझ पाएंगे और आप अगर ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो आपके 10 नंबर्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज के समय में दुनिया में सारा कुछ डिजिटल होता जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि हम मोबाइल फोन कंप्यूटर टैबलेट्स आदि के माध्यम से जो प्रत्येक अनेक प्रकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका वित्तीय सेवाएं हैं, धनराशि को जमा करना हुआ, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हुआ, बिल का भुगतान करना हुआ, टिकट बुक करना है या इस टाइप की जो भी सेवाएं हैं सिंगल क्लिक पर, एक क्लिक पर जो हम प्राप्त कर लेते हैं वो सब डिजिटल सेवाएं कही जाती हैं या डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर डिजिटल सेवाओं को प्राप्त करने के लिए इसके मुख्य तीन घटक हैं, थ्री ऐसे इंटरफेस बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम डिजिटल सेवाएं प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। फर्स्ट है आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म क्या है? वह इंटरफेस जहां से हम कोई भी डिजिटल सेवा प्राप्त करते हैं, जो डिवाइसेस की मदद से जो संस्थान हमें डिजिटल सेवाओं को प्रदान करता है, संस्थान का मतलब जैसे बैंक हो गया या कोई ऐसा अन्य कार्यालय हुआ जहां से डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो सब आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सेकेंड है आपका रिटेल एजेंट। रिटेल एजेंट वो होते हैं जो डिवाइसेस की मदद से हमें डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं, डिवाइसेस की मदद से रिटेल एजेंट वो हैं जो सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। ये वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म जहां से सेवाएं प्राप्त होती हैं आपको या प्रदान की जाती हैं, वो संस्थान जैसे बैंक या अदर कोई कार्यालय है जहां से आपको डिजिटल सेवा प्रदान की जाती है, और वो रिटेलर एजेंट वो होते हैं जो डिजिटल सेवाओं को आपको देते हैं, डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। और थर्ड है आपका डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब होता है यंत्र या मशीनरी, जिन मशीनरी की मदद से, जिन डिवाइसेस की मदद से आपको डिजिटल सेवा प्रदान की जाती है या हम कोई भी डिजिटल सेवा का लाभ लेते हैं, वो सब डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, माइक्रो पॉस है या पॉस मशीन है, इस टाइप की बहुत सारी मशीनें हैं जिससे डिजिटल सेवाएं, AEPS टाइप की मशीनें हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती है, इन सबसे जो हम डिजिटल सेवाएं प्राप्त करते हैं या किसी को प्रदान करते हैं उन डिवाइसेस की मदद से। तो कहने का मतलब ये तीन मेन घटक हैं जिनके द्वारा आपको डिजिटल सेवाएं प्राप्त या प्रदान की जा सकती हैं। एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एक वो है जो डिजिटल सेवाओं को आपको तक पहुंचाते हैं, और एक वो है डिवाइसेस जो ये रिटेल एजेंट होते हैं या डिजिटल ट्रांजेक्शन जो प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल सेवाएं देने के लिए जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम डिवाइसेस कहते हैं। तो ये मेन मुख्य तीन घटक है। अब हम चलते हैं और आगे, डिजिटल सेवाएं हम बार बार कह रहे हैं, डिजिटल सेवाएं क्या है, मतलब कहने का यह है कि जब हमारी सेविंग्स होंगी तो उसी पर हम डिजिटल सेवा प्राप्त या प्रदान कर पाएंगे। आप देखें व्हाई आर सेविंग नीडेड, हमें बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम बचत क्यों करते हैं,
बिकॉज इमरजेंसी सबसे मेन चीज, आपात स्थिति कोई होगी उसके लिए हम भविष्य में, वो हमको मालूम नहीं होता है, आपात उसी को कहा गया जो बिना बताए या बिना किसी जानकारी के आ जाए, ऐसी स्थिति उसे हम इमरजेंसी कहते हैं। और ऐसी स्थिति आने पर आपके पास अगर आपका पैसा है, आपने बचत किया हुआ है, तो उस विपत्ति या उस आपत्ति से निपटने में आप निर्भर रहेंगे, उस विपत्ति से निपटने में आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड्स की जरूरत इसीलिए होती है, कोई भी ऐसी आपात स्थिति आ जाए जिसमें आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वो जो बचत आपने किया है वो आपको काम करेगा, वो आपका एक बैकअप रहेगा। तो इमरजेंसी के लिए आपको सेविंग्स करने की आवश्यकता है। सेकेंड आपका है फ्यूचर नीड, भविष्य में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बचत करते रहना चाहिए। फ्यूचर में जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आपकी एक सैलरी आ रही है, लेन देन आप कर रहे हो, तो आपके पास पैसा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं, आप रिटायर हो गए और यदि आपके पास आपकी कोई सेविंग्स नहीं है, तो आपको आगे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यदि आपके पास आपकी सेविंग्स है तो आप आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहेंगे, वो सेविंग्स आपके रिटायरमेंट के बाद काम करेगी। सेकेंड है आपका, आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। फ्यूचर नीड्स में आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, घर बंगला गाड़ी सब मेंटेन करने के लिए आपको भविष्य के लिए पैसे को स्टोर करना जरूरी है, सेविंग्स करना मस्ट है। बच्चों के लिए एजुकेशन एक आज के टाइम में एजुकेशन भी ज्यादा खर्चे वाला है। बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो उसमें बहुत ज्यादा आपका फंड्स खर्च होता है। आज के टाइम में पढ़ाई कराना बहुत ही मुश्किल हो गया, बिकॉज फीसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं। तो इसके लिए एजुकेशन के लिए भी, भविष्य में आपके बच्चे होंगे उनको आपको पढ़ाना, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराना है, तो उसके लिए ज्यादा फंड्स की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हमको सेविंग्स करने की जरूरत होती है। पढ़ाई कराने के बाद बच्चों का मैरिज वगैरह के लिए भी आपको फंड्स एकत्रित करना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे फ्यूचर नीड्स हैं जिनके लिए आपको सेविंग्स करना मस्ट है। अब बात आती है, अगर हम सेविंग्स करते हैं तो हम सेविंग्स कहाँ करें? सर देखें, व्हाई इज बैंक नीडेड, हमें बैंक की आवश्यकता क्यों है? हम सेविंग्स करें तो एक अच्छी जगह पे, ऐसी जगह पे सेव करें मनी को जो मनी सिक्योर हो, मनी में थोड़ा सा ग्रोथ हो, उसमें हम आगे चल के अगर हमारे पास थोड़ा अमाउंट हो तो उससे हम बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सके। इन सब कारण से हम बैंक की हमें आवश्यकता होती है, बैंक खाते की हमें जरूरत होती है। आप देखिए, तीन मेन कारण है बैंक खाते के लिए, हमें वाइज बैंक नीडेड, बैंक की आवश्यकता हमें क्यों है, ये तीन मेन बड़े कारण है जिसके नाते हमें बैंक की आवश्यकता है, बैंक खाते की आवश्यकता है। फर्स्ट तो सिक्योर मनी, अगर हम बैंक में अमाउंट अपना, अपने फंड्स को स्टोर कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, तो वो हमारा सिक्योर है, हमारी मनी, हमारा रुपया जो, हमारा फंड जो है वो सिक्योर होता है। बिकॉज यदि हम उसकी जगह पर अपने घर में करते हैं तो सबसे बड़ी चीज मनी का ग्रोथ रुक जाता है, तथा वो मनी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर घर पे है, चोरी हो गया, आग लग गया, या भूकंप, कुछ ऐसी आपदा आ गई, तो हमारा मनी लॉस हो सकता है। इसलिए सिक्योर मनी अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो मनी सिक्योर होता है। दूसरी चीज, अर्न इंटरेस्ट, घर पे अगर आपने सेविंग्स की हुई है तो पहली चीज तो मनी का ग्रोथ ही रुक जाता है, तो उसमें कुछ अर्न होने की बात ही नहीं रह जाती। बट अगर आपका बैंक पे है तो आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बैंक से आपको ब्याज मिलता रहेगा, चाहे कम ही ब्याज मिले बट आपका पैसा कुछ ना कुछ उसमें बढ़ता रहेगा। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है, यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तभी आप बैंक से बड़ा लोन प्राप्त कर सकते हैं। आज के टाइम में हर प्रकार के बैंक से लोन मिलता है, आपका होम लोन है, आपका कार लोन है, या मुद्रा लोन है, इस टाइप के बहुत सारे, आपका एजुकेशन लोन है, बहुत टाइप के लोन आपको प्राप्त हो सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना मस्ट है। तो सेविंग्स हम कहाँ करें? बैंक में करें, जिससे हमारे पेमेंट की, हमारे कैश की, हमारे फंड्स की ग्रोथ भी हो, सिक्योर भी रहे, इंटरेस्ट भी हम अर्न कर सकते हैं और हमें लोन भी प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए हम कुछ खाते यूज करते हैं, कुछ खाते हैं जिसको आप लोग जानते होंगे, एक है सेविंग अकाउंट। ये कुछ अकाउंट्स की आवश्यकता होती है, आप जाने सेविंग अकाउंट हर एक व्यक्ति का खुल सकता है, करंट अकाउंट किसी फर्म किसी कंपनी का खुलता है, बेसिकली इसे आप कॉर्पोरेट बिजनेस अकाउंट भी कह सकते हैं। रिक्योरिंग डिपॉजिट, आरडी खाता हम मंथली या ईयरली या जैसे भी हम जमा करना चाहते हैं आरडी खाता खोल सकते हैं। इसे रिक्योरिंग डिपॉजिट हम पर डे का भी भरते हैं, नॉर्मल आरडी खुलता है, बहुत सारे फर्म है, LIC है, सहारा है, इन सब टाइप की उसमें रिक्योरिंग डिपॉजिट खुलते हैं, लोग पर डे भी जमा करते हैं, मंथली जमा करते हैं। तो
और आपका एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, हमें बड़ा अमाउंट कुछ एक मियाद के लिए जमा कर देते हैं, साल, दो साल, चार साल, दस साल, जैसे भी हम उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ओडी खाता होता है, इसे हम लोन खाता भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में, अगर आपके पास ओडी खाता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप लोन, एज ए लोन आप ओडी ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओसीसी क्या खाता होता है, ये एक आपका ऐसा खाता होता है जिसमें आपके क्रेडिट के हिसाब से आपका एक राशि निर्धारित करता है, एक लिमिट होता है, उस लिमिट में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप लोन लेंगे उतने पर ही आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, सबका ब्याज, जितना आपकी क्रेडिट होगी पूरे का ब्याज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे खाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम बैंक में खाते खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। कहने का मतलब हमें डिजिटल, अभी तो बात हुई कि डिजिटल सेवा हम क्यों लेते हैं या किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, हम इस सेविंग्स कैसे करते हैं और सेविंग्स करते हैं तो कहां करना चाहिए, उसका सही स्पेस क्या है, किस जगह पर हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डिजिटल फाइनेंशियल सेवाएं हमें लेना है वो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें सेविंग्स कहां करना चाहिए, बैंक में करना चाहिए, और बैंक में करने के लिए हमारे पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए, और डिजिटल फाइनेंशियल सेवा को प्राप्त करने के लिए भी आपके पास एक बैंक अकाउंट होना मस्ट है। आपसे पहली प्रायोरिटी है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, सेकेंड आपका पास एटीएम कार्ड हो, एटीएम कार्ड जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी होना चाहिए, बैंक से रिलेटेड आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है या डेबिट कार्ड मिला हुआ है या एटीएम कार्ड मिला हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास एटीएम नहीं, आपके पास बैंक खाता नहीं, आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं और आपका मोबाइल बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप डिजिटल सेवाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास ये तीन चीजें मस्ट होनी चाहिए। और यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है या फिर आपने मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल करा रखा है बैंक से, तो वो सारी चीजें तो आगे की बात है, बट इतना चीज आपके पास होना चाहिए यदि आपको कोई भी डिजिटल फैसिलिटी प्राप्त करनी है, कोई भी डिजिटल सेवा प्राप्त करनी है। तो कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपसे मांगता है ओटीपी। जब हम कोई भी डिजिटल कंफर्मेशन आपको ओटीपी से मिलता है, सबसे बड़ी चीज ओटीपी क्या है, ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो कुछ शॉर्टकट्स मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, हमारी फुल फॉर्म रिलेटेड एक वीडियो मैंने कंप्लीट, ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए ये बात है, ये जो फुल फॉर्म की आवश्यकता है ट्रिपल सी स्टूडेंट को ज्यादा है, बिकॉज उनमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन एक टॉपिक है, मैंने कंप्लीट ट्रिपल सी सिलेबस, मतलब उसके जो 9 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेकर के ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी तक के मेन जो आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बना रखा है, और उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के प्राप्त कर लें, या हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्लेलिस्ट आप ओपन करके सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, तो आपको 25 से 30 जितनी वीडियोस मैंने अभी डाली है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बता रहा था कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट जरूरी है, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन को फाइनल करने के लिए ओटीपी मांगता है, और ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, ये आपके पेमेंट को बहुत ही सिक्योर ढंग से करता है, बिकॉज इसमें एसएमएस जो आता है आपके उसी मोबाइल में आएगा जो आपकी मोबाइल बैंक में रजिस्टर्ड होगी। तो एसएमएस को बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। यदि हम मैनुअल ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते, क्यूआर कोड को स्कैन करके, मैनुअल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यदि हम किसी के पास ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यूपीआई, तो उसका हमको नंबर लेना पड़ेगा या उसका बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें हमें लेनी होगी, तब हम उसको कर पाएंगे। अगर हम क्यूआर को स्कैन करके करते हैं, QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, QR के माध्यम से तुरंत पेमेंट हो जाता है, और QR की जो फैसिलिटी लॉन्च हुई है 1994 में, ये टू डायमेंशनल आपका कोड होता है, इसे मैट्रिक्स बार कोड भी कहते हैं या टू डायमेंशनल बार कोड कहते हैं, ये 1994 से QR स्कैनिंग कोड आ गया है, जहां से हम कोई भी ट्रांजेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। अब हम आगे देखते हैं,
यूपीआई के द्वारा हम जो ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, आज के टाइम में यूपीआई से ज्यादा जो फंड ट्रांसफर किए जाते हैं ऑनलाइन, वो यूपीआई के माध्यम से होता है। यूपीआई के माध्यम से हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए, हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, सारा काम यूपीआई के माध्यम से कर लेते हैं। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 11 अप्रैल 2016 में जो पायलट प्रोजेक्ट करके था, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी ने इसको बनाया और 25 अगस्त 2016 को उसे लॉन्च कर दिया गया और गूगल प्ले स्टोर पर उससे यूपीआई सक्षम एप्स ऐप आ गए, जहां से लोग डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने हो गया, फिर उसके बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन किए जाने लगे। यूपीआई आ जाने से बहुत सारे फायदे होते थे, जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए जो सीओडी का सिस्टम था, सीओडी मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, जब कोई सामान आ जाने के बाद हम उसका कैश में पेमेंट करते थे, वो उसके लिए अब जब से आपका यूपीआई आ गया तो ये भी बड़ी सुविधा होगी कि डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट कर दिया जाता है। यूपीआई वो एक इंटरफेस है जिसमें कई सारे बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का आपको इंटरफेस प्रदान कर देते हैं। इसमें ये एक इन ऐप पेमेंट है, आईएपी है, आईएपी मीन्स होता है इन ऐप पेमेंट। मैंने बताया कि फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो मेरी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एईपीएस। एईपीएस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है, जैसे आज के टाइम में बैंक क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने सीएसपी पॉइंट दे दिया उन्होंने, सीएसपी बोलते हैं आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट, जहां से कस्टमर को बैंक की सेवा प्राप्त हो जाती है, एक मिनी ब्रांच खुल गया है जहां से सेवाएं आपको प्राप्त कर ली जाती है। तो एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसके द्वारा आधार से ही पेमेंट आपका हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के एटीएम वगैरह की आवश्यकता नहीं है। एईपीएस के लिए आपके पास आपका आधार होना चाहिए जो आपके बैंक से ऐड होना चाहिए और फिर आप एक फिंगर लगा करके पेमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, इसे सिंगल क्लिक पर आपको पेमेंट प्राप्त हो जाएगा सीएसपी के माध्यम से या आपको ऐसे रिटेल एजेंट के माध्यम से जो आपको एईपीएस पेमेंट करा सकते हैं। एईपीएस में जो गांव गांव जाकर के माइक्रो पीओएस मशीन लेकर के जाते हैं और आपको गांव गांव में वो सुविधा प्रदान करते हैं, आपके घर पे ही पेमेंट निकाल करके दे देते हैं, जिसे बैंक मित्र कहा जाता है, वो आपको मिनी एटीएम और माइक्रो एटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट है यूएसएसडी। यूएसएसडी एक ऐसा कोड है, इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके माध्यम से हम कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट के पैक डाटा की भी जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है यूएसएसडी कोड के लिए। और यूएसएसडी कोड होता है आपका *99#, ये यूएसएसडी कोड है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमें बहुत कुछ बताना है, चूंकि वीडियो में मैं कंप्लीट डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा वीडियो लंबा, इसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि फुल फॉर्म से रिलेटेड मेरी वीडियो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। यूएसएसडी एक कोड है जहां से, जिसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसके माध्यम से हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई भी जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास, आपका बस उसमें कुछ ऐसी आवश्यक चीजें होती हैं यूएसएसडी के लिए। सबसे फर्स्ट आपको केवाईसी अप्रूव होना चाहिए, आपका केवाईसी होना चाहिए, केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। मैं कहने का मतलब बैंक में आप एक्टिव कस्टमर हो, जो बैंक आपको जान रहा हो, आपका केवाईसी वहां पर अपडेटेड हो। दूसरी चीज आपका मोबाइल जो है जिससे आपको यूएसएसडी कोड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करना है, वो मोबाइल आपका आपके खाते से लिंक होना चाहिए। लिंक होने का मतलब आपके खाते में रजिस्टर्ड हो, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो, आपका मोबाइल बैंकिंग आपका एक्टिवेटेड हो, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड होगा और आपका जब मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होगा मतलब कहने का यह है आपका मोबाइल आपके खाते से लिंक है, तभी आप यूएसएसडी कोड की सुविधा प्राप्त कर पाए। इसके लिए एमएमआईडी, आपको एमएमआईडी प्राप्त करना होता है। एमएमआईडी क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो मोबाइल मनी को आइडेंटिफाई करता हो वो आपके पास होना चाहिए। एमपिन होना चाहिए, आपको एक एमपिन जनरेट करना रहेगा, एमपिन बोलते हैं मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यूएसएसडी सुविधा को आपको प्राप्त करना है तो आपको केवाईसी अप्रूव होना पड़ेगा, आपका मोबाइल जो होगा वो बैंक में लिंक होना चाहिए,
बैंक में आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, MMID आपके पास होनी चाहिए, आपके पास MPIN होना चाहिए, तो आप USSD कोड के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसमें हम 5,000 ट्रांसफर करते हैं और पर एनम हम 50,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल वर्क करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, पहली चीज तो बैंक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में से कुछ होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कई तरह से होते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, एक रिवार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, एक आपका सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है और एक चार्ज कार्ड होता है। तो इस तरह से आपके कई टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने बताया कि यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं आप क्रेडिट कार्ड, बट उसमें उसकी जो लिमिट है उसके अंतर्गत ही आप काम कर पाएंगे। ऐसे डेबिट कार्ड भी आपके लगभग तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड होता है, एक आपका EBT होता है, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड बोलते हैं उसे, और एक आपका प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है। तो इस टाइप कई टाइप के डेबिट कार्ड होते हैं, और जो डेबिट कार्ड आपका होता है, जो आपके पास डेबिट कार्ड होगा वो ATM में हम लगाते हैं, ATM में, या हम POS मशीन के द्वारा पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, या हम ATM को बोलते हैं ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, इसके द्वारा। और ATM में तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ATM नॉर्मल जो आप देखते हैं ATM है, एक आपका मिनी ATM होता है, और एक आपका होता है माइक्रो ATM, जिसे हम माइक्रो POS भी कह सकते हैं। जो ATM होता है आपका तीन प्रकार का होता है, आपका मिनी ATM है, एक ATM होता है जिसे ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन कहते हैं, एक मिनी ATM होता है और एक माइक्रो ATM होता है, एक POS मशीन और एक AEPS के माध्यम से जो हम पेमेंट करते हैं। इस तीन प्रकार से ATM होते हैं जहां पर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या कोई भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पेमेंट को, या कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ईवैलेट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से UPI के द्वारा हम, तरह से आपने UPI देखा तो UPI के माध्यम से जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो कुछ ईवैलेट्स होते हैं। ईवैलेट बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैलेट। देखिए ईवैलेट्स के लिए कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, आपका पेटीएम है, MobiQuick है, गूगल पे है, आपका भीम ऐप होता है, ऑक्सीजन वैलेट है, आपका ICICI पॉकेट है, इट कैश है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐप, ऐसे ईवैलेट एप्स हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, आप बिल का भुगतान कर सकते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग, ई कॉमर्स, सारा कुछ आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। ये इसलिए इसको हम ई वैलेट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट। एक चीज होता है POS। POS जैसे मैंने भी आपको बताया, POS बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जब आप बिलिंग करने जाते हैं काउंटर पे तो आपको दिखता है POS मशीन। देखिए POS मशीन के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं बिलिंग करने तो आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं तो POS मशीन के द्वारा ज्यादातर बिलिंग किया जाता है, जिसमें एक मॉनिटर और टैबलेट होता है, एक बार कोड रीडर लगा होता है, एक कार्ड रीडर होता है जिसमें आप अपने ATM कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को रीड करता है वो, और एक आपका रिसिप्ट प्रिंटर होता है जहां आपका कंप्लीट बिलिंग का वर्क होता है, तो उसे हम POS बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब हम देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और आज आपका कंप्लीट फाइनेंशियल टूल खत्म हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको बैंक से एक आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा आपके पास, जिसके माध्यम से आप बिना बैंक के आप सारा काम कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, अपने मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग की सारी सुविधा ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक ATM कार्ड भी होना चाहिए, ATM कार्ड के माध्यम से करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की विशेष अवस्था में कम होती है, इंटरनेट के माध्यम से हम यानी EFT करते हैं, नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो NEFT है ये आपको पेमेंट को ट्रांसफर करने का एक इंटरफेस प्रदान करता है, इसके माध्यम से हम ट्रांजेक्शंस को करते हैं। NEFT की सेवा बैंक में 2005 से लॉन्च हुई है, 2005 से NEFT की सेवा लॉन्च हुई है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से NEFT किया जाता है, जिसमें हम अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा बहुत बैंक में चार्ज देना पड़ता है,
NEFT का और आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम आधे घंटे इसका टाइम है, मैक्सिमम आपका अगर सर्वर प्रॉब्लम हो गया तो पेमेंट थोड़ा लेट हो जाता है, बट नेफ्ट के माध्यम से हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगला है आपका RTGS। RTGS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बैंक का, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके माध्यम से हम कोई बड़ा अमाउंट कुछ समय में ही अगले अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं बैंक के द्वारा, RTGS हम करते हैं। तो आपका जैसे बैंक एम्प्लॉई आपका प्रोसेस कंप्लीट करता है, दूसरे के अकाउंट में तुरंत आपका डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए इधर इसलिए बोलते हैं इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके द्वारा जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन भेजते हैं तो रियल टाइम में ही वो पेमेंट सेटल हो जाता है। कहने का मतलब जब एक बैंक एम्प्लॉई RTGS का प्रोसेस कंप्लीट करता है तो दूसरे जिस अकाउंट में वो कर रहा होगा वहां पर तुरंत डिपॉजिट हो जाता है। इसमें न्यूनतम 2,00,000 रुपए तक हम ट्रांसफर करते हैं, न्यूनतम, अधिकतम हम कुछ भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं बनाई गई। एक फैसिलिटी होती है बैंक की IMPS, जो मोबाइल वॉलेट से भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो IMPS कहा जाता है। IMPS को हम बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इस सर्विस के द्वारा हम मोबाइल से कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी तुरंत ही प्रभावित होता है। जैसे RTGS के द्वारा हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये तुरंत आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरीके से IMPS इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस है जो तुरंत ही आपके पेमेंट को ट्रांसफर कर देता है। और ये NPCI के माध्यम से हैंडल होता है। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और IMPS को NPCI के माध्यम से संचालित किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने सारे चीजों को जो डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब कुछ बताया आपको। आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी। वीडियो को आप केयरफुली देखेंगे बिकॉज टॉपिक थोड़ा लंबा है और मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया है, इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। यदि आप कोई एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको बार एक से दो बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती है। यदि कोई भी क्वेरी आपकी बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उससे जो रिलेटेड सजेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।